नमस्कार, आप देख रहे हैं कि लाइव न्यूज चैनल विश्व हिंदू परिषद द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार हेतु लोगों को किया जागरूक। आज विश्व हिंदू परिषद जिला गुरदासपुर द्वारा प्रधान श्यामलाल सैनी की अध्यक्षता में शहरवासियों को चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए गगन शर्मा ने बताया कि आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा देशव्यापी स्तर पर भारत के सभी जिलों और नगरों में लोगों को चीन के बने हुए सामान को उपयोग में न लाने हेतु प्रेरित किया गया, ताकि चीन को गलवान घाटी में की गई हरकत की सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य बनता है कि वो चीन की वस्तुओं को हमेशा के लिए त्याग कर शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे। इस मुहिम के तहत विभाग मंत्री जतिंदर शर्मा और जिला मंत्री सुमित भारद्वाज द्वारा दुकानों पर जाके दुकानदारों को और घर घर जाके लोगों को चीन निर्मित सामान की खरीद और बिक्री के त्याग करने की अपील की, जिसका दुकानदारों और लोगों द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर वी के शोरी, जिला सह मंत्री राजकुमार शर्मा, एन के सोई और ममता गोयल आदि उपस्थिति थे। गुरदासपुर से जगजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। अज असी विश्व हिंदू परिषद जिला गुरदासपुर वालों चीनी समान का बाइकाट जो है वो करन वास्ते और लोगों नू इस संबंधी जागरूक करन वास्ते शहीदी पार्क गुरदासपुर विच एकत्र होए हाँ। मेरे नाल जिला प्रधान श्यामलाल जी सैनी, महामंत्री सुमित भारद्वाज जी, साढ़े सह संयोजक राजकुमार जी, साढ़े इस्त्री विंग के जो है महिला विंग के वो ममता गोयल जी और एन के सोई जी और नगर मंत्री गगन जी साढ़े नाल अज मौजूद ने। ये जिहड़ा अज दा ये कार्यक्रम है गलवान घाटी दे विच चाइना दे जो फौज है उसने धोखे दे नाल जो साडे भारतीय सैनिक है उन्हां दे अटैक करके जो साडे सैनिकां दी सानू शहीद साडे सैनिकां नू शहीद कीता है उन्हां दी याद विच अज असीं इत्थे एकत्र होए हां उन्हां नू श्रद्धांजलि दे फुल भेट करन लई। और नाल दी नाल अज असीं खुद वी इह प्रण करदे हां और देशवासियां नू वी इह प्रण करन लई कहिंदे हां कि उह चीन दे समान दा पूरी तरह नाल बहिष्कार करे और अपने देश दा समान वरत के अपने देश नू आत्म निर्भर बनाए। और अज इह वी कहिंदे हां कि चीन दे समान दा बाइकाट करो, देश हित में योगदान। और इस दे नाल ये भी मैं कहूँगा कि मैं शपथ लेता हूँ आज से कि चीन के समान, चीन का जो बना समान है वो नहीं खरीदूँगा। और इस दे नाल ही शहीदों को दे सच्ची श्रद्धांजलि, चीनी समान को दे तिलांजलि। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब थक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं सुमित भारद्वाज, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद गुरदासपुर, आज असी इस प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे हुए हैं कि चीनी समान का असी बहिष्कार करना वै, जो चीन ने नीच हरकत की ते धोखे नाल साडे वी फौजियां नू शहादत का जाम पीना पिया, उहदा बदला असी चीन दे समान दा हर पक्षों बहिष्कार करके देना है। और ये साडी सच्ची श्रद्धांजलि होएगी उन्हां वीर सपूतां दे बलिदान नू जिन्हां ने देश की खातिर अपनी आन बान शान की परवाह ते होए देश वास्ते अपना बलिदान दे दिता। उन्हां नू याद करदे होए अज असी ए टीचा चुक्या है कि आज तो कोई भी चीनी समान नहीं वरतना, और जड़ा कोई वरतदा भी है उन्हें भी असी बेनती करते हाँ कि चीनी समान का पूरी तरह बहिष्कार करे, ताकि चीन दे सट वजे। ये चीन लई सब तो वड्डी सट होएगी, उहदा लक टुट जाएगा कि असी चीनी समान का बहिष्कार करिए और इस दे नाल भारत माता नू और उहदे वीर सपूतां नू अमर श्रद्धांजलि देईए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं एन के सोई, विश्व हिंदू परिषद का सदस्य, आज हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि चीनी सामान का बाइकट करें। वो बाइकट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो चीन ने हमारे साथ हमारे किया फौजी के साथ, एकदम अचानक 1000 के करीब जो उनका आर्मी थी, हमारे फौजी जो कम से कम संख्या बैठे हुए थे उनके पास हथियार दे थे, वो जगह ऐसी है जहाँ पर के हथियार ले जाना मना है, क्योंकि वो ग्लेशियर टाइप है और वहाँ से निकलने के रास्ते एक आध बार जा सकता है। और हमारे चंद फौजियों पर उन लाठियों सोटियों से हमला कर दिया,
और उन्होंने चंद फौजियों ने मुकाबला किया और कम से कम 3-4 घंटे का मुकाबला करते रहे। हमारे फौजी जो है वो शहीद हो गए और उनके फौजी जहाँ शहीद हुए और उन्होंने उनके एक नीच कार्य है, अचानक बगैर किसी मुकाबला करते सामने से मुकाबला करते आओ सामने आओ और बैठे को अटैक कर दिया और हमारे फौजी जो उनके इतने ऊंचे साहस थे उन्हें मुकाबला किया। कोई 21 साल का था, कोई 30 साल का था, अभी एक पिछले ख्वार में आया वो 21 साल का था नौजवान, जिसकी माता ने कम से कम 10 साल प्रार्थना की कि मेरे कार संतान पैदा हो। 10 साल के बाद संतान पैदा हुई तो कितना हमारे जो शहीद हुए जवान उनके लिए हमारे बहुत दुखदायक, हमें बहुत दुख हुआ। तो इसलिए हम जो हमारे विश्व हिंदू का हमें कहा रही है उसके कहें कि हम चीनी का सामान नहीं लेंगे, चीनी का सामान बहिष्कार करेंगे, नहीं लेंगे। बात माता की।